चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आज के इस लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय और कर्मठ प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी गन्ना मंत्री श्री सुरेश राणा जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री मोहित बेनीवाल जी, माननीय सांसद श्री प्रदीप चौधरी जी, माननीय विधायक श्री तेजेंद्र निर्वाल जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री सत्येंद्र कोमर जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेत्री श्रीमती प्रियंका सिंह जी, श्री अनिल चौहान जी, श्री रमेश गौड़ कश्यप जी, श्री अजय शर्मा जी, के शुक्ला जी, उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक श्री मुकुल गोयल जी और भारी संख्या में आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित जनपद सामली के सभी उपस्थित भाइयों बहनों, कभी इतिहास में भारत की संगीत की विशिष्ट विधा के लिए विख्यात रहा केराना घराना, इस जन्मभूमि और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रमुख व्यापारी केंद्र केराना में आज हम सब आपकी चिर प्रसिद्धित मांगों को यहां पर पूरा करने के लिए आए हैं। मैं इस अवसर पर धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज और हम अगले 3 दिन के अंदर ही गोपाष्टमी का पावन पर्व भी मनाएंगे, इन सब की बधाई आपको देते हुए आप सभी भाइयों बहनों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, याद करिए 2017 में भी मैं सामली में आया था, अन्य कार्यक्रमों के सिलसिले में मेरा आना होता रहा है और तब मैंने केराना के बारे में कहा था कि यहां पर सुरक्षा का बेहतर वातावरण देंगे। मुझे याद है केराना की इस पीड़ा को बाबू हुकुम सिंह जी ने जोर शोर से उठाया था। आज बाबू हुकुम सिंह जी हमारे बीच में नहीं है, मैं उन्हें उनके स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और भाइयों बहनों, इस क्षेत्र के बारे में जो विकास की उनकी सोच थी, विकास की सोच को आगे बढ़ाने के लिए आज हम सब इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कभी प्रमुख व्यापारिक केंद्र के रूप में रहे इस केराना कस्बे में ढेर सारी
बाद पुलिस चौकी का सुदृढ़ीकरण होना चाहिए। हम लोग उस कार्य को पहले कर चुके हैं। हमारे जनप्रतिनिधि बराबर इस बात को कहते थे कि यहां पर पीएससी का एक बटालियन होना चाहिए। और भाइयों बहनों, 250 करोड़ रुपए की लागत से पीएससी की इस बटालियन का आधारशिला रखने के लिए आज मैं यहां पर आया हूं।
परिवार होता था। विकास का मतलब न सड़क, न बिजली, न पानी, न हॉस्पिटल, न गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान, न किसानों के लिए क्रय केंद्र, न समय पे खाद, न समय पे बीज, कुछ भी तो नहीं मिलता था। कोई सुविधा नहीं मिलती थी। नौजवानों को नौकरी की बात आती थी, वह पूरा खानदान वसूली के लिए निकल पड़ता था। जाति देखी जाती थी, क्षेत्र देखा जाता था, और न गरीब को मकान मिलता था, न शौचालय मिलता था, न बिजली का कनेक्शन मिलता था। कोई अपनी कन्या की शादी करते समय कन्यादान के रूप में रसोई गैस का कनेक्शन देना चाहता था, नहीं दे सकता था, क्योंकि उपलब्धि नहीं था। कोई गरीब बीमार होता था तो उस बेचारे के लिए उपचार के लिए वह असहाय महसूस करता था। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा मोदी जी आए, हर गरीब को एक एक शौचालय दे दिया। हर गरीब जिसके पास मकान नहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना में से आच्छादित करने की कार्रवाई शुरू हुई। हर गरीब को निःशुल्क विद्युत का कनेक्शन, निःशुल्क रसोई गैस का कनेक्शन, हर गरीब को आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर। हमारी सरकार आई, किसानों का कर्ज माफी की कार्रवाई शुरू हुई। ये जो किसानों की बात करते हैं, इनसे पूछे, तुम तो सत्ता में थे तब किसानों का कर्ज माफ क्यों नहीं हुआ? हमारी सरकार ने 36,000 करोड़ रुपए का 86 लाख किसानों का कर्ज माफ किया। आपके सामने जनपद के भी हजारों किसान। पूरा भारत
उतना ही उनको आने वाले समय में इसी दुर्गति का शिकार भी होना पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। यह तो विश्वामित्र का यज्ञ है और यह तो तब जब आज देश के अंदर एक नयापन देखने को मिल रहा है। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा केंद्र में मोदी जी के आने के बाद कश्मीर में धारा 370 कैसे समाप्त हो गई, हमेशा कैसे समाप्त हो गई, तीन तलाक की कुप्रथा को कैसे लगाम लगा दिया गया, ये किसी से छुपा हुआ नहीं, हमेशा के लिए समाप्त। और यही नहीं, अब तो अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। अब तो किसी को संदेह रहना ही नहीं चाहिए, भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य अयोध्या में, जो लोग अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर नहीं चाहते थे, जो लोग कश्मीर में धारा 370 को समाप्त करने का विरोध करते थे, भाइयों बहनों ये लोग कब खुश होते हैं, जब मुजफ्फरनगर में दंगा होता है, जब केराना से पलायन होता है और जब अफगानिस्तान में तालिबान का शासन होता है, तब इनके नारे लगते हैं। लेकिन तालिबानीकरण कतई हम स्वीकार नहीं होने देंगे और जो भी तालिबान का समर्थन उत्तर प्रदेश की धरती पर करेगा, सख्ती के साथ उसे निपटने का कार्य भी सरकार करेगी। एक तालिबानी मानसिकता नहीं स्वीकार होनी चाहिए, कतई नहीं होनी चाहिए। यह मध्ययुग में समाज को ले जाने की कुत्सित चेष्टा है, जो बहन और बेटियों के जीवन को पूरी तरह नारकीय बनाता है, नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन करता है और जो केवल और केवल एक मजहबी जनून के साथ जीते हैं, वे लोग इस तालिबानी कुकृत्यों का समर्थन कर रहे हैं, इसको उत्तर प्रदेश की धरती में कतई स्वीकार नहीं करेंगे। और मैं एक बार फिर से आपको यही कहने के लिए आया हूं, उत्तर प्रदेश आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में विकास, शांति, सौहार्द और समृद्धि के जिस मार्ग पर आगे बढ़ा है, हम सबको याद रखना वो एक तब बढ़ा है जब हमने जाति, क्षेत्र, भाषा, मत और मजहब से ऊपर उठकर के केवल राष्ट्र धर्म के आधार पर विकास और समृद्धि को महत्व देकर के जब हम लोगों ने दिशा में सोच प्रारंभ की, आज उसका परिणाम है गरीब को शासन की योजनाओं का लाभ मिल रहा है, बड़े बड़े विकास के प्रोजेक्ट आ रहे हैं। क्या गांव, क्या गरीब, क्या किसान, क्या नौजवान, क्या महिलाएं, क्या समाज का हर तबके का व्यक्ति, हर एक व्यक्ति को शासन की सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। और भाइयों बहनों, शासन की सुविधा के साथ साथ हर सभ्य समाज के नागरिक को, हर नागरिक को सुरक्षा की गारंटी भी सरकार दे रही है। हमने कहा हर व्यक्ति को सुरक्षा की गारंटी देंगे, लेकिन कानून को हाथ में लेने की छूट किसी को नहीं देंगे। और मैं धन्यवाद दूंगा अपने सामने के अपने सभी जनप्रतिनिधियों को जिन्होंने मेहनत से यहां पर केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को लाने में सफलता प्राप्त की। आज भाइयों बहनों, चाहे वह माननीय सांसद श्री प्रदीप चौधरी जी हो, चाहे वह प्रदेश सरकार में मंत्री श्री सुरेश राणा जी हो, चाहे वह विधायक सामली श्री गजेंद्र अग्रवाल जी हो, चाहे वह विधान परिषद के माननीय सदस्य
साथ आपके साथ सहभागी बनने के लिए आज मैं स्वयं भी प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ में आपके बीच में यहां पर आया हूं। मैं इन सभी 425 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं की सौगात शामली जनपद को देते हुए केराना में इस पीएसी बटालियन के आधारशिला रखते मुझे अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रही है। ये दीपावली का उपहार है शामली जनपद के लिए, केराना कस्बा वासियों के लिए। आप सबको ये मंगलमय हो। यह बटालियन यहाँ पर सुरक्षा का बेहतर वातावरण बना पाएगा, इस विश्वास के साथ आप सभी को देश भर केराना को उसकी पहचान दिलाइए। संगीत है प्रमुख घराने के रूप में इसकी जो पहचान थी, उस केराना घराने की पहचान के साथ साथ एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र के रूप में फिर से केराना उभरेगा। इसके लिए सभी लोग मिलकर के कार्य करेंगे, सरकार इसमें भरपूर सहयोग करेगी। यहाँ पर कुछ औद्योगिक केंद्र विकसित करने की मांग हमारे जनप्रतिनिधियों ने की है, उसके लिए सरकार पूरी संवेदनशील तरीके से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगी। इस विश्वास के साथ एक बार फिर से मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ और अपनी वाणी को देता हूँ।